लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। किसान 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा आज WTO क्विट डे मना रहे हैं। इसके तहत किसान शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर अपने ट्रैक्टर खड़े कर रहे हैं। हालांकि किसानों का दावा है कि इस दौरान ट्रैफिक जाम नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बताएं कि आज यानी 26 फरवरी को किसान के दो समूह भारतीय किसान परिषद और ऑल इंडियन किसान सभा NTPC नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। BKU ट्रैक्टरों के साथ नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस तरह की वार्ता चंडीगढ़ हम गए थे, एक संयुक्त मोर्चे की वहां पर मीटिंग थी। हमने 6 मेंबरी कमेटी उसमें बनाई है। 6 मेंबरी कमेटी जो भी किसान संगठन संयुक्त मोर्चे से अलग है उनसे बातचीत के लिए बनाई है। वे अपना बातचीत करे, 6 मेंबरी कमेटी बना दी, और जो भी करने आगे कोई प्रोग्राम हो किसी संगठन को आना हो संयुक्त मोर्चे में तो उस कमेटी से बात कर सकता है। कौन कौन लोग उस कमेटी में शामिल थे? कमेटी में दर्शन पाल जी है, युद्धवीर सिंह है, उग्रा जी है, इस तरह से 6 लोग उसमें है। हनन मोल्ला है, तो 6 लोग है उसमें। आपको बताएं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों से किसानों का ट्रैक्टर मोर्चा शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में ट्रैक्टर लेकर किसान यमुना एक्सप्रेस वे पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नोएडा पुलिस ने एहतियात बरतते हुए यमुना एक्सप्रेस वे की एंट्री पॉइंट को ही ब्लॉक कर दिया है। पुलिस किसी भी हालात में किसानों को यहां से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, ताकि आगे ट्रैफिक व्यवस्था खराब न हो। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार धोखे में ना रहे कि अगले 2 से 4 दिनों में आंदोलन खत्म हो जाएगा। शुभकरण की हत्या करने वालों के खिलाफ को कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज तक शुभकरण का दाह संस्कार नहीं हो पाया। पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें किसानों को सुरक्षा देनी चाहिए। हरियाणा पुलिस पंजाब की सीमा में आकर हमारे किसानों को उठा कर ले जा रही है। आपको बताएं कि आज का विरोध प्रदर्शन भारत को WTO से बाहर करने की मांग को लेकर रखा गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार से एक मांग की है, जिसके तहत 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी में होने वाले विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में खेती को WTO से बाहर रखने के लिए विकसित देशों पर दबाव डाला जाएगा।